बता दूं कि हमारा जो रात ठहरने का पंडाल है वो कैसा बन रहा है। अरे बाड़ा रे यार। Hello guys, this is रहान, आप देख रहे ऑफिशियल रहान। आई होप के यू आर डूइंग गुड गाइज। सो अभी सुबह के कितना बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं और मैं अभी सोकर उठा हूँ। बोले तो उठाया गया, उठा नहीं हूँ। कुछ लोग हैं जो मतलब नाश्ता वास्ता कर रहे थे मेरे कान के ऊपर आके और उस मिठाई विठाई खा रहे थे। सुबह में मिठाई कौन खाता है यार। सो गाइस, कैसा लगा मेरा हल्दी का वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना। और आज मड़वा बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला, आज का जो ब्लॉग होने वाला वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉग होने वाला मड़वा का। इसमें क्या होता है पता है आपको, मुर्गा खस्सी ये वो लन फन। और आज एक बहुत स्पेशल है कि मेरे दादा हुजूर, बोले तो दादा हुजूर का ये चादर पोशी होने वाला आज। तो हम लोग वहां भी जाएंगे, वहां भी कवर करेंगे क्या होगा नहीं होगा। बोले तो सलाम पढ़ेंगे हम लोग, फातिहा करेंगे और चादर चढ़ाएंगे। बहुत कुछ दिखाने वाला हूं मैं आपको, जो ये मतलब यूनिक, दिस इज अ यूनिक गाइस। और मैं देखता हूं अभी क्या चल रहा है वहां उधर। जब इधर नाश्ता चल रहा है तो उधर तो खाना चलता होगा गाइस। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि ये बोले तो स्टार्ट हो गया बनना। देख रहे प्याज लाल हो रहा है यार। गांव का ना गाइस बात ही अलग होता है, समझ रहे हो, एक अलग सा चार्मिंग होता है। सुबह में उठो अलग सा फ्रेश फीलिंग आता है। सो इसकी बात ही अलग है। और मेरे भांजे साहब भी यहाँ पे हैं, मिस्टर तौकीर साहब। क्या देख रहे हो? बिग बॉस मेरा 4 एपिसोड छूट गया यार। कौन फेवरेट इसमें? शालिन, शालिन फेवरेट है मेरा। अबू अब्दुल। सो गाइस, भाई साहब बिग बॉस देख रहे हैं, बिग बॉस के बड़े फैन हैं। आई एम बिग फैन ऑफ ऑल्सो बिग बॉस। और उधर बहुत कुछ होने वाला है देख रहे हो। इधर आपका बोले तो पूरा बारात ठहरने का जो सिस्टम बनाया गया इसी में बनाया गया, बट वो बहुत छोटा है समझ रहे हो। तो उसको यहाँ तक हम लोग करने वाले हैं। ये जो बाउंड्री दिख रहा ना, ये वाला बाउंड्री यहाँ तक करने वाले हैं। वो मतलब गेट वहां से रहेगा और इसके ऊपर पूरा वाटर प्रूफ आएगा। ये जो है ना, ये अभी नॉर्मली है, आज इसको वाटर प्रूफ कर देगा वो लोग। देख रहे पूरा गली पूरा। और देखते हैं अभी नीचे क्या चल रहा है, औरतों में क्या चल रहा है नीचे। अभी तो ऊपर का मैं दिखा रहा था आपको। क्या चल रहा है? बोले तो एक थम्स आ गया, माहौल थम्स आ गया है। क्या बोल रहे छोटे, 200 सो गए थे ना? देख लो, यही दिन बचा रह गया था। हाफिज साहब भी मतलब कहीं गए सुबह से, मतलब 6 बजे उठ के तुम लोग खाओ खाली। ये मेरा है। हाँ तो तुम ही बोल रहे हैं ये सब करता है। मैं नीचे आ गया हूँ और बता दूं मैं कि ये हमारे गांव की मसाता है समझ रहे हो। मतलब इनसे, इनके ही परमिशन से बोले तो हर शादी होगा। अगर हमको भी शादी करना है तो इन्हीं से परमिशन लेना पड़ेगा। हर भी दिनी के परमिशन से होता है। बड़े अम्मी क्यों उदास बैठ रहे हैं आप? व्हाई यू आर सैड? बड़े अम्मी क्यों उदास बैठे बोलिए ना। बड़े अब्बू आएंगे तो मेरे बड़े अब्बू आएंगे। हाँ बेटे में क्या बोल रहे थे? क्या कौन सा कल बिल, कल कौन सा बिल के बारे में बोल रहे थे? अरे कल एक्चुअल में ना बोले तो ये लोग जय कुट्टी कुट्टी वक्त जो होता है ना, उसका बिल हम ले नहीं पाए क्योंकि हम सोए हुए थे। समझ पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस, मेरी दादी जान देख सकते हो, दुख खा रहे दादी। हाँ, और यहाँ पे बोले तो जनरेटर वनरेटर सब आ गया है और डे के वेक का पूरा आइटम बोले तो जितना भी है सब काउंट करके मैं मतलब लिख लिया हूँ, एक नोट कर लिया हूँ। और टेंट वाले लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं समझ रहे हो। और अभी जा रहा हूँ ब्रश करने। दिन के कितना बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। अभी ब्रश करने जा रहा हूँ। बिहार में भी, कोलकाता में वही हाल, बिहार में भी वही हाल।
पेटू लोग है, देख रहे हो। अरे किसका पैसा लिया ये? हमको समझ में नहीं आ रहा साला, कितना कर्ज लिया हुआ ये? बच्ची साहब बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, अभी तक तारीफ ही हुआ उनका, समझ रहे हो, बहुत अच्छा खाना बना रहे गाइस। और ये सब चूल्हे वाले पूरा मड़वा उड़वा के लिए आया है पूरा। अब मेरी आप ही यहाँ पे प्याज काट रही हैं, जैसे बता दूं मैं आपको। अरे मेरी बहन लोग का नाश्ता इधर चल रहा है पूरा, मतलब जो मड़वा का इहतमाम चल रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ पे पूरा मड़वा का इहतमाम चल रहा है। और ये आपका पूरा बड़ी बड़ी छना रहे हैं नाश्ते के लिए, और बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया है, जो भी मतलब सब्जी का इतना टेस्ट हो रहा है, इतना तारीफ हो रहा है इनका इस सब्जी का, मत कहो जितना भी कहूँ कम है। दोनों अब्बू और बेटे हैं इनके दोनों, तो बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। इनका कॉन्टेक्ट अगर लेना हो तो मेरे पे मैसेज करना इंस्टा पे, मैं आपको पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल बता दूंगा इसका क्या है, नहीं ठीक है। और बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे गाना वाना भी बज रहा है गाइस। अच्छी सब अपना इसमें लगा हुआ है, और मड़वा का भी मतलब तरतीब किया जा रहा है, समझ रहे हो, मड़वा का भी तरतीब किया जा रहा है, मतलब सब अपने अपने काम में लगा हुआ। चेयर वाले लोग बोले, टेंट वाले लोग 100 चेयर के बारे में बोल रहा है, मैं बोला 100 चेयर नहीं लगेगा, कम से कम 200 चेयर लगेगा, क्योंकि 200 चेयर 150 के करीब आपका बराती है, तो 200 चेयर आप देंगे ना भाई। तो उससे भी थोड़ा बहस हुआ है अभी, वो एग्री हुआ है, बट देखो क्या होता है। और इमरान देखो अभी नाश्ता कर रहा है, 11 बज रहा है, इमरान नाश्ता कर रहा है, समझ रहे हो, नाश्ता कर रहे हैं भाई, बहन का शादी है, मतलब एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ हम तो उसमें क्या, हम कुछ इतराज कर रहे हैं। सो गाइस बने रहना, अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा बुखार उखार सा लग रहा है मेरे को, तो डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर आके आपको पूरा कवर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। और ये मेरा क्यूट वाला भांजा, बहुत बहुत एकदम क्यूट है यार, बहुत एकदम मतलब क्यूट है। सो गाइस आज काफी काम है, बहुत काम है भाई, जितना बोलूँ कम है, और दौड़ ही रहा हूँ सुबह से, आवाजें मिल रही होगी आपको घर की, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट थोड़ा। सो गाइस फाइनली मैं बाजार से आ गया, और यहाँ पे बोले तो गुलगुल्ला वलगुल्ला का सब चालू है, मैं दिखा दे रहा हूँ। सो गाइस अब मड़वा स्टार्ट होने वाला, बोले तो मड़वा खड़ा होने वाला है, सो बने रहना, मैं दिखाता हूँ क्या चल रहा है, मतलब 5 लोगों का उसमें जरूरत होता है, समझ रहे हो, हमको भी उसमें शामिल कर रहा है, तो मैं कट रहा हूँ, दूसरे बंदों को मैं खड़ा कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मेरे को सब मैं ये नहीं पढ़ना नहीं है। तो गाइस बने रहना मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मड़वा का क्या सिस्टम है, समझ रहे, पूरा भीड़ लगाए हुए हैं, सब लोग गए हुए हैं, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। इमरान ही मेन मुखिया है, समझ रहे हो, मुझे मेरा नहीं कर रहा है, अपने नाना को बोला लो हमारे मोमेंट, देख रहे मोमेंट, कैप्चरिंग मोमेंट, तुम अपना ब्लॉग में बुलाने उनको कैटो का शादी की अभी तक 25 को कर दिए हैं, बाप रे बाप, 26वां किसका, मेरा है का 26वां, लड़की वाला
बारात आपको भी निकाह कर देना। अच्छा ठीक है, हो जाएंगे। ओपिजन हो गया मड़वा, पूरा खड़ा हो गया मड़वा। हाँ पूरा खड़ा हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या है? अब कुछ नहीं करना है। गुलगुलवा कब बनी है? अभी बनी है। गुलगुलवा बनी है ना? हाँ बनी है। मेरी छोटी अपनी नया नया साड़ी पहन के बैठी हुई है। हाँ बोट में कब गुलगुलवा? डॉक्टर अम्मी है मेरी, डॉक्टर अम्मी। हाँ अम्मी गुलगुल्ला गुल्ला सब तैयार हो। घड़ी कहाँ से लेनी? कोलकाता। अच्छा कोलकाता से घड़ी लाई है बड़ी अम्मी मेरी। और गाइस पूरा यहाँ पे पूरा माहौल क्रिएट हो गया, बोले मड़वाड़ा सब खड़ा हो गया। और अब खस्सी होने वाला है, खस्सी ला रहा है ऊपर से, ऊपर में खस्सी है, समझ रहे हो? सो देखते रहना, खाली देखते रहो बस, कीप वॉच। के लिए जंगल में दिए है बासेड़ा रे लाडो के लिए, अरे दादा का सारा धन लौटाया रे चंदा के लिए, है अब्बा का जंगल में दिए है बासेड़ा रे लाडो के लिए दिया है बासेड़ा रे, अरे भैया का दारा दारा लूटाया रे बहन के, ए कलकत्ता का सब्जी का रूपिया लूटाया रे बहन के लिए, ए जंगल में दिया है बासे अरे बहन के लिए। पोसल के चुन्नी खुदी से जकर लेके चले। सही बात, सही बात बोले। बाप रे बाप, ऐसा ऐसा मोमेंट, ऐसा ऐसा कैप्चरिंग मोमेंट, बाप रे बाप। हम तो सकदम है, ये हल्दी लगाना, ये करना, वो करना, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मेरे पीछे हल्दी लगा रहे थे, हम बड़े छटक के भागा रहे भाई, हमको समझ ही में नहीं आ रहा गाइस क्या है ये सब चीज, नया नया चीज देखने को मिल रहा भाई। बट बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है गाइस। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है, अभी बोले तो मड़वा खड़ा हो गया है, और आपको अब क्या होगा, खस्सी होगा, फिर गुलगुल्ला बनेगा, और लावा भी लाने जाना है। पता नहीं कहाँ लाने जाना है, ये लोग क्या लाते हैं लावा, व्हाट इज द लावा, आई डोंट नो। सो गाइस सो बने रहना, क्या चीज है मैं सब कुछ एटीट्यूड में दिखाने वाला। सो फाइनली गाइस, छोटे अब्बू बोले तो ये कंप्लीट कर दिए हैं, क्या बोलते हैं, खस्सी जब्बर कर दिए हैं, और खस्सी वस्सी बन भी रहा है। छोटे अब्बू यहाँ पे हाथ हाथ धो के इधर फ्रेश हो गए, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं फ्रेश हो लूँ, उसके बाद मैं वापस मिलता हूँ गाइस। सो बने रहना। सो गाइस अभी प्लान बना, पापा भी फोन किए थे कि चलना अभी दादा के मजार पे, बोले तो चादर पोछी करने के लिए। तो अभी अब जस्ट चादर पोछी के लिए निकलेंगे दादा के मजार पे। दादा का मजार उधर है, मैं आपको वहाँ का भी पूरा नजारा दिखाऊंगा। हम लोग सलातो सलाम पढ़ने वाले हैं और फातिहा खानी करने वाले हैं। सो हम लोग जितने भी फैमिलीज वाले लोग जितने भी हैं, सब लोग हम लोग अपने दादा के मजार पे जाने वाले हैं। बहुत मिस करते हैं दादा को। तो सो गाइस बने रहना, वहाँ का भी कवर करूंगा। सो गाइस हम लोग अब दादा के मजार पे जा रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी पापा और छोटे अब्बू लोग पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। देख सकते हैं आप, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, और हम लोग बस बाय रूट उधर से निकल रहे हैं गाइस। मैं हूँ और मिस्टर सैफी भाई है। हाउज माई लुकिंग गाइस, मैं टोपी कैसी लग रही? एक्चुअल में ना टोपी मेरा कहीं गुम हो गया है, मतलब शादी का माहौल तो समझ में नहीं आ रहा टोपी किधर रखा गया, तो इस वजह से मैं छोटे अब्बू का टोपी पहना हूँ। देख रहे हो पूरा बड़का मलाना लग रहा है। और ये जो दिख रहा है ये जगह, ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर है गाइस, ये ट्रांसफार्मर है, 33 MVA का लगाया है इन लोगों ने ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे भूतरुआ बाग, बहुत पहले बोले तो बच्चा बच्चा गड़ाता था आज से, मतलब दादा के जमाने पर, दादा के जमाने में यहाँ पे बच्चा बच्चा गड़ाता था, बट हम लोग जब से, मतलब हम लोग के टाइम से ये सब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब बदले तो एक ऐसा बागीचा तरफ का है। और ये बहुत बड़ा बागीचा था, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत बड़ा बागीचा था। बोले तो क्या बोलते हैं इसको, अभी पूरा कट गया है, काशी बाबू का नाम था इसका, काशी बाबू का बगीचा। हम लोग यहाँ पे आके आम चोरी करते थे, समझ रहे हो, उसमें लगा रहता था, क्या लगा रहता था, केतारी लगा रहता था। इसके अंदर बहुत कांड हुआ गाइस, बहुत कांड हुआ,
काला काला कांड हुआ हम बता नहीं सकते, समझ रहे हो। सो यहाँ भी कितारी आगे चोरी करते थे, वहाँ जामुन लगा हुआ, अभी लड़का लोग जामुन के ऊपर कुछ बंदे हैं जो ताश वाश खेल रहे हैं। सो पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो अब हम लोग कब्रिस्तान के बहुत ही करीब है, ये हमारा कब्रिस्तान गाइस। और ये जो दिख रहा है आपको, ये कब्रिस्तान है। किसी भाई ने वहाँ पे बोले तो ये हेलोजिन वक्फ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनकी कमाई में रोजगार में बरकत दे। और वो कब्रिस्तान रहा है, और मेरे दादा हुजूर छोटे अबू वहाँ पे बैठ के चादर चढ़ा रहे, अब पापा है वहाँ पे, अब हम और सैफी वहाँ पे जाने वाले, शामिल होने वाले। सो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का फातिहा खानी हो गया, चादर पोशी हो गया है, और देख सकते हैं खानदान खलीलिया। अब हम लोग अपने होम की तरफ देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। गुलगुल्ला ए रसम, ए गुलगुल्ला, ए मलीदा, सब कुछ हम लोग शो करने वाले हैं आपको, समझ रहे हो। ए खस्सी, ये मुर्गा, अल्लाह क्या होगा आज, हैं इमरान, उछल उछल के खाएगा लग रहा है। आज दिन में हम खाना नहीं खाया भाई, हाँ बस दिन में हम खाना नहीं खाया जा, इमरान इमरान दिन में खाना नहीं खाया। गाइस दादा से मिल के आ रहा हूँ, दादी इधर से देख रही थी हम लोगों को। सो कैसा लग रहा दादी, धूप खाने के लिए आए हैं, और दादा को ऐसे सलाम करते है नहीं, है मुलाकात तो हो ही जाता है, सलाम भेजते रहते हैं। तो दादा को पांचों वक्त सलाम यहीं से दादी भेज देती है, क्योंकि सामने में कब्रिस्तान है ना, वो दिख रहा है। यहाँ पे बोले तो गुलगुल्ला उल्ला का तमाम चल रहा है, देख रहे हो, तो गुलगुल्ला उल्ला तैयारी चल रहा है, गुलगुल्ला हो गया आपका, इधर सिस्टम चल रहा है, ये आप ही पूरा मतलब, अच्छा पूरा आप ही पूरा मतलब, इसका पूरा कमान आप ही संभाल रही ना। है? अच्छा बड़ी अम्मी का रहम भी किधर है। सो गाइस ये बड़ी अम्मी का रहम है, देख लीजिए उधर रोटी, बड़ी अम्मी छोटी अम्मी दोनों साथ में मिलके कर रही, उधर देखिए मलिदा भाभी लोग बना रही। अच्छा उधर मलिदा भी चल रहा है, अच्छा इधर क्या चल रहा है आपका, ये क्या है, ये तो पराठा लग रहा है, चपाती दोस्ती रोटी कर रहे हैं, क्या बताता हूँ क्या क्या है ये दोस्ती रोटी, ओ दोस्ती रोटी देख रहे हो गाइस। हमारी खाला यहाँ पे एक पर एक चीज, एक से एक कारीगर यहाँ पे मौजूद है हमारे घर में, तो बहुत कुछ बन रहा है अभी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भाई लोग टेंट वेंट वाला का कुछ सिस्टम ये कर रहे हैं, कम्बल 25 को कम्बल ला कर देना, कर देते हैं एक्चुअल में बात ये हो रहा है ना गाइस के, बोले तो ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा पूरा तमाम के साथ, मतलब अच्छा से मतलब ये करके सिस्टम करके यहाँ पे खाना खिलाया जाएगा। वो जगह जहाँ पे लोग वहाँ पे खड़े हैं, उस जगह पे एक पार्टीशन देके वहाँ पे क्या बोलते हैं खाना बनाया जाएगा, तो खाना खिलाने का भी अफराद हो जाएगा और खाना बनाने का भी अफराद जगह हो जाएगा। ये बात चल रही है वहाँ पे, कन्वर्सेशन जो चल रहा है यही चल रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि हमारा जो रात ठहरने का पंडाल है वो कैसा बन रहा है, तो वो चीज भी दिखना आपको जरूरी है। चलो पहले फर्स्ट वाली मैं वो दिखाता हूँ, इस गुलगुल्ला वुलगुल्ला जो भी था वो बन गया है, अब फातिया भी हो गया, देख सकते हो दो मोमबत्ती यहाँ पे हमारी मोसाता की, और मैं आपको दिखा दूँ ये सब, बोले तो ये सब पे फातिया वातिया हो गया, देख रहे हो ये सब थाल वाल क्या बोलते हैं इसको, वट एवर वट इज दिस, अरे साला गुलगुल्ला तो पूरा भरा हो रहा है भाई, बड़का टब में गुलगुल्ला है, और बोले तो सब फातिया वातिया का आइटम है, समझ रहे हो। सो गाइस अभी बोले तो फातिया वातिया तो हो ही गया है, अब एक फातिया बचा है दादा कलंक शाह के
मतलब दरबार में वहाँ पे मतलब मजार शरीफ पे फातिहा पड़ेगा, तो अभी ये लोग लेकर जाएंगे। और आपका अभी लावा वावा भी काफी कुछ बाकी है, अभी वो चीज भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और ये देख सकते हो आप पूरा झाला वाला ये भी सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, बोले तो सेट है सब कुछ। और इसका काफी काम बाकी है, ये पंडाल अभी पूरा मुकम्मल तरीके से रेडी नहीं हुआ, समझ रहे हो। उधर वाला जो खाना खिलाएंगे लोग वो भी पंडाल रेडी नहीं हुआ, अभी काफी कुछ बाकी है। हम लोग खानकाह तकिया शरीफ में दादा कलन शाह के इस पे चादर चढ़ाने के लिए आए हैं और फातिहा कराने के लिए आए हैं। सो गाइस अब हम लोग फातिहा करा के निकल रहे, देख सकते लाडले भाई और शाहरुख भाई हैं ना। गाइस अभी ना ये क्या एग्जिट हो गया, लावा लाने का प्लानिंग चल रहा है। और गाइस आपने देखा, ये जो आपने देखा जो भी माहौल क्रिएशन था वो मेरी दादी भी थी जो अभी आपने देखा वीडियो। सो कितना चार्मिंग लगा ना, कितना जबरदस्त लगा, एक से एक गीतियाँ निकाल रहे थे। ऐसा लगता है ना कि ये लोग बोले तो गीत का भी एक किताब आता है, ऐसा मेरे को लगा। मैं पूछा भी था मसाता जो थी उससे, मैं पूछा भी था भाई गीत का कोई किताब आता है, तो वो हंसने लगी। सो एकदम अलग वाला एकदम माइंडलेटी चल जाता है गाइस। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताना, हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर नोटिफिकेशन मेरा आप तक जाता रहे। और गाइस कल मैं जो डालने वाला हूँ ब्लॉग, बारात का ब्लॉग डालने वाला, समझ रहे हो, पूरा ए टू जेड सुबह से लेके रात 2-3-4 जब तक बजे, तब तक मैं पूरा एंड तक बारात का ब्लॉग डालूंगा गाइस। सो बने रहना मेरे साथ, कीप ब्लॉगिंग, कीप supporting and thank you for watching my video guys।